आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारत के हिंदी साहित्य के जाने माने निबंध लेखक माने जाते थे। उनका नाम भारत के जाने माने हिंदी साहित्य के वरिष्ठ निबंधकार में आता है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी हिंदी एवं संस्कृत की रचनाएं की थी। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ला एकादशी सन 1964 सन 1960 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योति कला था। आपने हिंदू विश्वविद्यालय काशी से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। शांति निकेतन में रहते हुए कवींद्र रवींद्र तथा आचार्य क्षिति मोहन की प्रेरणा से ये साहित्य निर्माण में जुट गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अपने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी आपने अलंकृत किया। द्विवेदी जी का स्वभाव तथा जीवन सरल था तथा लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से अलंकृत भी किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रचनाएं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक विशाल साहित्य की रचना की है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां निम्नलिखित हैं: आलोचना, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की ललित योजना, सूरदास और उनका काव्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, भारतीय साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, नख दर्पण में हिंदी कविता आदि। निबंध संग्रह: अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पिता, आलोक पर्व आदि। उपन्यास: बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। अनुदित रचनाएं: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि।